और इस बीच बड़ी खबर आपको झारखंड से बता दें, जहां अमन साहू गैंग ने गिरिडीह जेल सुपरिटेंडेंट को जान से मारने की धमकी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां गिरिडीह जेल सुपरिटेंडेंट हिमानी प्रिया को मारने की धमकी दी गई है। फोन पर जान से मारने की यह धमकी दी गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से। अमन साहू गैंग के मयंक सिंह ने यह धमकी दी है। तो धमकी भरा कॉल आया है, गिरिडीह केंद्रीय कारा में बंद है अमन साहू, और ऐसे में गैंगस्टर अमन साहू गिरोह ने जेल सुपरिटेंडेंट को धमकी दी है और फोन पर यह धमकी दी गई है। गिरिडीह जेल सुपरिटेंडेंट हिमानी प्रिया को मारने की धमकी दी गई है। बता दें कि अभी 10 दिन पहले ही अमन साहू को गिरिडीह जेल शिफ्ट किया गया, और इसके बाद अब अमन साहू गैंग के ही सदस्य ने गिरिडीह जेल सुपरिटेंडेंट को जान से मारने की धमकी दी है। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, अभी 10 दिन पहले ही अमन साहू को गिरिडीह जेल शिफ्ट किया गया और अब गिरिडीह जेल सुपरिटेंडेंट को मारने की धमकी दी गई है फोन पर, क्या पूरी जानकारी? लेकिन लगातार जो सुरक्षा के कारणों के कारण उसको अमन साहू को गैंगस्टर जो है कुख्यात गैंगस्टर उसको पलामू से गिरिडीह शिफ्ट किया गया था, क्योंकि लगातार जो झारखंड में गतिविधि हो रही थी उसको लेकर अमन साहू के कई घटना में उसका हाथ होने की बात आ रही थी, उसको लेकर जेल प्रशासन और झारखंड पुलिस उसे सुरक्षा कदम को देखते हुए उसे गिरिडीह शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जो जेल सुपरिटेंडेंट जो वहाँ हिमानी प्रिया जेल सुपरिटेंडेंट है उनको फोन पे धमकी दिया है कि हमें सुविधा नहीं मिल रहा है, उसमें मयंक सिंह का नाम आ रहा है। तो कई लोगों ने पहले तो जब वार्ड में घूम रही थी जेल सुपरिटेंडेंट तो उसने उसके उस पर उनसे उसको धमकी दिया, उसके बाद फोन पर मयंक सिंह और एक और गैंगस्टर जो अमन साहू के गैंग के लिए काम करता है उसके द्वारा धमकी दिया गया है, और लगातार उसको अब सेल में रखा जा रहा है। एक सेल में तो पहले भी था लेकिन उसकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है कि लगातार जो धमकी का काम करके कैसे बाहर भी था तो धमकी, क्योंकि एटीएस उसको गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार करने के बाद उसे पलामू जेल में रखा गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों के तो कुछ दिन पहले कशिश न्यूज ने इस खबर को भी दिखाया था, किस दिन पहले उसे पलामू से गिरिडीह शिफ्ट कर लिया गया है। तो अब देखना होगा इस सुरक्षा कदम को, सुरक्षा कैसे जेल सुपरिटेंडेंट जो को धमकी मिला है, क्योंकि इसमें मामले में एक प्राथमिकी भी दर्ज किया जाएगा, और आगे इसे सुरक्षा के कारणों क्या फिर से जेल इसकी शिफ्टिंग किया जाता है, क्या हजारीबाग भेजा जाता है। चलिए बिल्कुल संतोष, नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।